मॉर्निंग एवरीवन। कोहरा के कारण देखिए आपका कैमरा भी कैसा हो गया, मेरा कैमरा भी कैसा हो गया। तो अभी अभी मैं नींद से उठी, सुबह उठ के आप लोगों से बात करने चले आई। अभी तो और क्या बोलो, अभी फ्रेश होती हूँ, अपने फिर आती हूँ, आप लोगों को रूम टूर कराती हूँ। तो नज़ारा देखने को मिला, नींद से उठ के आप लोगों के सामने में चले आई। तो अभी मैं फ्रेश होके आप लोगों को घर का रूम टूर कराती हूँ, कैसा है, कहाँ पे रहा, कल से हम लोग किधर रहा, रात किस रूम में कैसे करके बिता, रूम का प्राइस कितना था, सब कुछ बताएंगे। ब्लॉग मैंने टोटली मेरा होम स्टे के सामने कैसा था, होम स्टे के अंदर कैसा है, सब कुछ दिखाने वाली हूँ। जो जो मैं इधर आके किया सब मेरे पहले वाले ब्लॉग पे है, आप लोग देख सकते हो। ये राघव है, मेरा बहन का बेटा। चलो मैं बंगाली हूँ, थोड़ा हिंदी भी बोल लेती हूँ कभी कभी, अच्छा लगता है मुझे। चलिए ये सब सिंगल रूम है, दरवाजा से अंदर घुसा, अंदर घुसने से ही आप लोगों का मिलेगा बाथरूम। क्लीन थी, बहुत सुंदर ही था, खराब नहीं था, क्लीन मतलब क्लीन थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गीजर भी था तो इसका तो अभी पानी देके गया आप लोगों का वीडियो यूट्यूब में। सिस्टर वीडियो कर रहे हैं हम यूट्यूब तो यूट्यूब में आपका होमस्टे का बारे में बोल रही हूँ। उन लोग एकदम ही हम लोगों का लैंग्वेज समझता नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ समझता है। सोफा है सुंदर सा। अभी रूम का सामान वगैरह ऐसे बिखरा हुआ है, ये सब आप लोग इग्नोर कीजिए। और इधर एक बहुत सुंदर बड़ा वाला विंडो है, कार्टन वगैरह भी अच्छा है। इधर एक सोफा, दो सिंगल सोफा और एक बड़ा सोफा और एक बिस्तर बस। लेकिन अभी जो सामान उखड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, ये सब मत देखे। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी निकल जाएंगे तो सामान वगैरह पैक कर रहे हैं। कल 2 बजे आए थे और आज अभी 8 बजे है, ठीक है। तो अभी चाय पी रहे हैं सब लोग। ये बिस्तर है और ये लाइट है, ऐसी लाइट दो है, एलईडी बल्ब है, बस ये है रूम में और कुछ नहीं। हाँ, रूम का अंदर तो देख लिया, अभी रूम का बाहर भी थोड़ा देखिए। हाँ, रूम का बाहर में हम लोगों का गाड़ी पार्किंग किया हुआ है और इस साइड में एक सिंगल रूम है और इस साइड में एक सिंगल रूम है, दो सिंगल रूम और एक डबल रूम भी लिया था। तो देखिए नज़ारा इतना सुंदर नज़ारा था, पहाड़ था और फॉग वगैरह, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये विलेज है ना, एक खासी विलेज है, खासी हिल में एक विलेज है। तो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि हम लोगों का जो होम स्टे है, देखिए इधर से एकदम बराबर वो ग्रेवियर्ड भी था। तो हम लोग जब पहले आया ना तब मुझे नज़र में नहीं आया था, तो एक एक करके सबके नज़र में आ रहा था कि इधर ग्रेवियर्ड का बहुत, मतलब 3-4 ग्रेवियर्ड तो दिख जा रहा था और बहुत सारा भी था। लेकिन ये देखने के बाद थोड़ा हम लोग तो इंसान है ना, तो थोड़ा तो डर लगा, थोड़ा डर गया था इधर क्यों, ऐसा क्यों है। तो उधर का जो होमस्टे का ओनर था और जो रहने वाला था इधर का जो लोकल बासिंदा था, उन लोगों को पूछा तो उन लोग ने बोला कि इधर का जो लवेबल और रिस्पेक्टेड पर्सन वगैरह है उन लोगों का है ये सब। तब हम लोगों को इतना खराब नहीं लगा, फिर भी कुछ कुछ तो होने लगा था। ऐसा कोई बात नहीं है जब डर गया था, लेकिन थोड़ा कुछ ऐसा खराब लगा था हम लोगों को, पता नहीं था। लेकिन उन लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है, जो जो मेरे ये वीडियो देख रहा है। आप लोग अगर सोच रहे हैं तो ये क्या है, ये देखने से क्या होता है, हम लोग तो थोड़ा बहुत डरती हूँ इसमें से। ये मेरा बेटा ज़्यादा रात को डराया था हम लोगों को उल्टा सीधा बोल के। तो फिर भी बाहर में देखा तो एकदम बराबर था, देख रहे हो आप लोग कैसे करके था। तो अभी चलिए, अच्छा लगा था, सच में बहुत अच्छा लगा था। ये रूम क्लीन, बहुत बहुत क्लीन था। लेकिन क्या हुआ, रात में जब बार बार करंट जा रहा था ना, तो लाइन गिर जा रहा था, तो अपना
इतना सारा इंसेक्ट्स हम लोगों के घर में घुस के आया। दीक्षित ने कुछ बोल, क्या हुआ था रात को? हम लोग मतलब इतना टेंशन के साथ सोए कि मतलब पता नहीं कान वान से कहीं से कीड़ा वीड़ा घुस जाएगा। पूरा बाहर में जंगल है ना, तो जंगल से बहुत सारे कीड़ा घुस गए। तो बोल कैसा था कल रात का फीलिंग्स? मेरे घर से मेरा तो नहीं है, किसी और का। लेकिन काल रात के लिए तो हम लोगों का ही था ना। तो अभी कॉस्ट पूछने वाली मैं बोलने वाली हूँ, तो रूम के कॉस्ट कैसा था सृष्टि बोलेगा। सृष्टि बोल दे थोड़ा, कॉस्ट कैसा था? हम लोग तीन रूम लिए थे, टू रूम जहाँ पे गीजर था वो 2000 का था, और एक रूम जहाँ पे डबल बेड था लेकिन गीजर नहीं था और वो टाइल्स वाइल्स नहीं था, इसलिए वो 1500। लेकिन लास्ट में हम लोग वैसे 1500 वाला रूम यूज नहीं किया, सब लोग वो एक साथ। अभी बोलने वाली हूँ क्यों पीछे से ऐसा हुआ है, बिकॉज हम लोग रात को डिसाइड किया वो जो 1500 वाला रूम लिया था वो यूज नहीं किया। तो हम लोग जो ओनर को बोला जो हम लोगों को मैट्रेस थोड़ा लेके आइए, उधर नहीं रहेंगे, तो रूम को मैंने यूज नहीं किया, लेकिन दो मैट्रेस देके गया। तो मैट्रेस देके गया, वो मैट्रेस लेके हम लोग कल सब मिल के एक सिंगल रूम में मेरा बहन और बहन का हस्बैंड था, और एक रूम में जो मेरा रूम था उसमें पूरा मैट्रेस बिछा दिया, और इसमें से सब लोग इतना एंजॉय किया। रात 11 बजे तक इतना एंजॉय किया, ऐसा लग रहा था कि बहुत रात हो गए, बाद में सो गया, बहुत एंजॉय किया, एक साथ में सब सोया हुआ था। तो यही है, बोला है तो विदाउट गीजर 1500 और विद गीजर 2000। ये था आज का वीडियो, छोटू सा वीडियो था। आप लोगों को ऐसा लगा, हेल्प हुआ है तो एक लाइक करके कमेंट कीजिए और साथ में रहिए। आज के लिए ये ब्लॉग मेरा इधर ही एंडिंग करती हूँ मैं। तो डबल रूम जो था, जो जिसमें गीजर नहीं था, वो रूम आप लोगों को टूर नहीं करा पाया, बिकॉज वो रूम थोड़ा ऊपर में था, इसलिए तो जा नहीं पाया ना उधर। ठीक है, अभी रखती हूँ, अच्छा रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, सब बाय बाय कर दो। तो चलिए अभी रखती हूँ, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए साथ में रहिए, माफानलू ट्रिप के बारे में और कुछ जानने के लिए थैंक यू सो मच।